सरकार ने मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चोरी चोरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चोरी चोरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत कि ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चोरी चोरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चोरी चोरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।